हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे एक प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज जिसमें हम यूज करेंगे नेस्टेड स्विच का। सो हमने देखा है कि स्विच स्टेटमेंट हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स, राइट? सो अब हम देखेंगे कि नेस्टेड स्विच हम कैसे यूज कर सकते हैं ताकि मेन्यू के अंदर आप मेन्यू शो कर सको और उस पर काम कर सको। सो जो प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी टेकिंग एरिया and circumference of a circle as well as area and perimeter of a rectangle. So user को choice देंगे कि वो circle को process करना चाहता है या rectangle को। जो भी वो choose करेगा उसके accordingly उसका input लेंगे और फिर उससे पूछेंगे कि वो आगे उसके ऊपर क्या operation perform करना चाहता है। So let's get started. So हम ले लेते हैं सबसे पहले variables जो हमें चाहिए होंगे। Since मैं circle को process कर रही हूँ तो मुझे radius चाहिए होगा, मुझे उसका एरिया निकालना है, मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो मैंने वो वेरिएबल्स ले लिए। देन आप रेक्टेंगल के लिए लेंथ ले सकते हो और ब्रेथ ले सकते हो। वेरिएबल्स के नाम आप सिंपल भी ले सकते हो और यू कैन टेक लाइक पूरा पूरा जैसे मैंने लिया, यू कैन टेक इट लाइक दैट ऑल्सो। सो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब फ्लोट्स में हम इन सब की वैल्यूज तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्विच के साथ जो वेरिएबल होता है जिसके ऊपर स्विच बेस्ड होता है वो या तो इंटीजर हो सकता है या कैरेक्टर, वहां पर हम फ्लोट यूज नहीं कर सकते। तो जहां पर मुझे चॉइसेस पूछनी है वहां पर मैं इंटीजर वेरिएबल्स ले लेती हूँ। तो मैंने एक CH1 ले लिया, एक CH2 ले लिया। अब मैंने यहाँ यूजर को ऑप्शन शो करी, क्या ऑप्शन शो करी कि प्रेस 1, 2 प्रोसेस रेक्टेंगल। मैसेज आपकी मर्जी, आप जो मर्जी दे सकते हो, दैट्स अप टू यू। जो आप लिखोगे उस तरीके से डिस्प्ले होगा। सो मैंने यहाँ पर लिखा प्रेस 1 फॉर रेक्टेंगल, फिर मैंने लिखा प्रेस 2 फॉर सर्कल, ठीक है। एंड देन मैंने उसको बोला एंटर योर चॉइस, राइट? और वो जो चॉइस आपने उसकी पूछी है वो आपने इनपुट करवा ली किसमें, CH1 में। और उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पर स्विच, स्विच CH1। अब देखो CH1 के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्या चूज किया है, रेक्टेंगल या सर्कल। अगर मैंने केस वन बनाया इसका मतलब वो रेक्टेंगल के लिए है। लास्ट स्टेटमेंट केस की क्या होनी चाहिए, ब्रेक। केस टू जो है वो किस लिए है, सर्कल के लिए है, उसकी लास्ट स्टेटमेंट भी होनी चाहिए ब्रेक। और मैं यहाँ पर लास्ट में एक केस दे सकती हूँ डिफॉल्ट, जहां पर मैं ये लिख सकती हूँ कि आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट की है इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड, कि भाई ये हमारी ऑप्शन ही नहीं थी जो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो ये हमारा स्विच का यहाँ पर एंड हो रहा है। अब ये जो केस वन है जिसमें उसने रेक्टेंगल चूज किया है, उसमें आप उससे क्या पूछोगे कि लेंथ और ब्रेथ इनपुट करो। सो आप सिंगल मैसेज में भी पूछ सकते हो, दो मैसेजेस भी लगा सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो आपने पूछा एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, सो फ्लोट है तो परसेंटेज एफ आएगा और फिर आप यहाँ पर ले लोगे एम्परसेंड लेंथ कॉमा एम्परसेंड ब्रेथ, ठीक है। लेकिन आप एरिया निकालना है या पैरामीटर वो आपको फिर से यूजर से पूछना है, तो आपने यहां फिर उससे पूछा कि प्रेस 1, 2 फाइंड एरिया, प्रेस 2 टू फाइंड पैरामीटर एंड देन आई कैन आस्क लाइक एंटर योर चॉइस। और वो मैंने यहां पर यूजर से CH2 जो हमारा वेरिएबल है उसमें ले ली, ठीक है। और अब मैंने क्या लगा दिया, फिर से स्विच। तो अब नेस्टिंग ऑफ स्विच हो गई, एक स्विच आपके पास पहले था बाहर, फिर आपने केस बनाया और उस केस के अंदर आपने फिर से स्विच दे दिया, राइट? सो आई हैव अनदर स्विच यहाँ पर जिसके ऊपर अब मेरा रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो अगर केस वन है तो मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, और फिर आप उसको प्रिंट करा सकते हो दैट एरिया इज परसेंटेज एफ। और मैंने आपको बताया था अगर आपको सिर्फ टू डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है तो आप परसेंटेज 0.2f भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एरिया इज, मैं इसके आगे न्यू लाइन देना चाहती हूँ, इसके पीछे न्यू लाइन देना चाहती हूँ, और ये केस जब खत्म हो जाए तो अगले केस में ना चला जाए, इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक दे देंगे।
और फिर आ जाएगा आपका पैरामीटर अगर यूजर ने सेलेक्ट किया है। तो अगर पैरामीटर सेलेक्ट किया है तो वो क्या हो जाएगा, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट इट हियर। सो पैरामीटर इज परसेंटेज 0.2n और यहां पर हम पैरामीटर को शो कराते हैं। सिंपल एंड ब्रेक एंड इफ यू वांट यू कैन हैव अ डिफॉल्ट इन दिस। डिफॉल्ट देना कंपलसरी नहीं होता है, हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि अगर यूजर ने उन दो ऑप्शंस के जगह कुछ और सिलेक्ट कर दिया तो उसको कोई मैसेज शो हो जाए। ठीक है, अगर आप नहीं शो करना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा आया किसमें, स्विच में, ये पूरा स्विच में है। ठीक है, सो ये पूरा आपका केस वन हो गया फॉर रेक्टेंगल और ये केस वन का ब्रेक है। ठीक है, अब यही सेम चीज मुझे केस टू में चाहिए, बट वो चाहिए किसके लिए, सर्कल के लिए। तो भाई एक प्रोग्रामर का सच्चा दोस्त है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, है ना। सो जब आप कोडिंग में आ जाते हो तो ये भी बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बात जो कही जाती है कि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, तो उसको भी हमेशा याद रखना है कि कॉपी पेस्ट तो आप जरूर कर लो, लेकिन जब चेंजेस करो तो ध्यान रखो कि इंपॉर्टेंट चेंजेस सारे उसमें किए जाए, राइट, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, सो सर्कल का एरिया क्या है, 2 into pi 2 pi r square, राइट। सो 2 into pi into radius, अच्छा मैंने पूरा कॉपी नहीं किया पहले, देखो इनपुट वाला चीज भी तो करनी थी कॉपी, ये भी तो कराना था, ये तो किया ही नहीं। सो इसको भी मुझे कॉपी करना था और यहाँ पर पेस्ट करना था। सो एंटर लेंथ एंड ब्रेथ की जगह हम अब क्या पूछेंगे, एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, और वो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल में लेना है। तो आप यहाँ पर रेडियस कर दोगे और यहाँ सिर्फ एक ही परसेंटेज एफ कर दोगे। सो प्रेस वन एरिया, प्रेस टू, पैरामीटर की जगह पर हो जाएगा सर्कमफेरेंस, राइट। आपने चॉइस पूछ ली, अब चॉइस पूछने के बाद आपका जो स्विच है वो बेस्ड है CH2 पे। सो सिंस इट्स बेस्ड ऑन CH2, CH2 के अंदर केस वन जो आपने दिया वो दिया एरिया का 2 pi r square करना है, तो एक बार और इनटू रेडियस हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एरिया आ गया, ब्रेक केस टू। अब आपको यहाँ पर देना है, अच्छा मैं दोनों के फॉर्मूला को कंफ्यूज कर रही हूँ, इसमें टू तो होता ही नहीं ना, 2 pi r होता है आपका सर्कमफेरेंस और पाई आर स्क्वायर होता है हमारा एरिया। सो 2 pi r, सो 2 pi r ये हो गया, ठीक है, सर्कमफेरेंस, और यहां पर हम सर्कमफेरेंस को प्रिंट करा देंगे, सर्कमफेरेंस इज CIR, सो पाई आर स्क्वायर एंड 2 pi r, राइट। सो ये हो गया हमारा एरिया एज वेल एज सर्कमफेरेंस। तो ये ब्रैकेट आपकी बंद हो गई, फिर ब्रेक आ गया, फिर डिफॉल्ट आ गया। एक ब्रैकेट का कहीं पे कुछ गड़बड़ है, सो वी हैव टू चेक दैट। ये हमारी ब्रैकेट है स्विच की, ठीक है, फिर ये CH2 की है, तो ये एक्स्ट्रा किसकी है भाई। सो एक आपकी मेन की शुरू हुई, फिर ये आपकी स्विच की शुरू हुई, फिर आप केस वन में हो, ये वाला स्विच यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ बंद हो गया, फिर यहाँ पे आए हम, ये स्विच यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे बंद हो गया। सो वी हैव टू, ठीक तो है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड अ डेक्लरेशन सी और C++ 169, कहीं पे सेमीकॉलन तो नहीं मिसिंग है, डिफॉल्ट ब्रेक प्रिंट एंड देन वी हैव दिस कीवर्ड। सो इसको मैं अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ, तो ये मुझसे पूछेगा कि मुझे क्या इनपुट करना है। सो मैंने कहा मुझे रेक्टेंगल प्रोसेस करना है, सो आई एंटर वन, सो वो एंटर लेंथ एंड ब्रेथ पूछ रहा है। फिर वो मुझसे पूछेगा कि एरिया करना है या पैरामीटर, सो आई से एरिया लेंथ से, सो आपको एरिया शो हो जाएगा। अगर आपने टू चूज किया होता तो आपको पैरामीटर चूज हो जाता है। ऐसे ही अगर आप पहली ऑप्शन पे सर्कल सेलेक्ट कर लेते तो वो आपसे सर्कल का रेडियस पूछता और फिर आपसे पूछता कि आपको एरिया चाहिए या फिर
सर्कमफ्रेंस चाहिए, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी कैन हैव नेस्टिंग ऑफ स्विच। एक स्विच के अंदर आप एक और स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। बस ब्रैकेट्स का ध्यान आपको रखना है कि ब्रैकेट सही लगी हो, ताकि आपको कोई एरर ना आए उस चक्कर में। अदरवाइज एक स्विच के अंदर एक और स्विच दिया जा सकता है, उसके अंदर भी एक और स्विच दिया जा सकता है। सो वी कैन हैव मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट्स लाइक दिस। सो नेस्टिंग के लेवल्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव नेस्टिंग ऑफ स्विच। तो आप नेस्टिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर भी कर सकते हो, नेस्टिंग ऑफ इफ भी कर सकते हो, नेस्टिंग ऑफ स्विच भी कर सकते हो। आगे जैसे जैसे जाओगे आप देखोगे लूप्स कैसे यूज करने, और फिर लूप्स में भी हम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप्स कैसे होती है। सो दैट इज इट अबाउट मेकिंग अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड स्विच। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम्स चाहिए सी के, तो आई हैव दिस गिटहब रिपोजिटरी। तो आप भी जो अपना काम करो उसको गिटहब पे डाल सकते हो साथ के साथ। ये गिटहब रिपोजिटरी है AEC टेक में सी प्रोग्राम्स की। सो आपको यहाँ पर आपके मेजर प्रोग्राम्स जो मैं आपको करा रही होंगे क्लास में, वो यहाँ मिल जाएंगे। सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम हेयर। और आप भी खुद अपना एक गिटहब अकाउंट बनाओ, और जो भी कुछ आप क्रिएट करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कीप शेयरिंग ऑन इट, क्योंकि आगे जाके आपको अपनी प्रोफाइल में ये दिखा के काफी बेनिफिट होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर द चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर कीन टू लर्न प्रोग्रामिंग। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।